धार्मिक आयोजनों को लेकर सीएम के निर्देश, लखनऊ से बड़ी खबर। धार्मिक आयोजनों से जुड़ी समितियों से सीएम की अपील। पंडाल निर्माण में अग्नि सुरक्षा का रखा जाए ध्यान, सीएम ने कहा है। संवाद बनाकर किया जाए आयोजन। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, सीएम ने कहा है। धार्मिक आयोजनों को लेकर सीएम ने निर्देश दिया है, लखनऊ से बड़ी खबर। धार्मिक आयोजनों से जुड़ी समितियों से सीएम की अपील। पंडाल निर्माण में अग्नि सुरक्षा का रखा जाए ध्यान। लोहिया संस्थान में ऑनलाइन जमा होगा जांच शुल्क, लखनऊ से बड़ी खबर। मरीज के पंजीकरण नंबर से ऑनलाइन जमा किया जाएगा शुल्क। लोहिया संस्थान प्रशासन ने बैंक के साथ किया एमओयू, जल्द शुरू होगी व्यवस्था, मरीजों को लाइन लगाने से मिलेगी मुक्ति। केवल भर्ती मरीजों के लिए ही होगी यह व्यवस्था। ओपीडी के मरीजों के लिए लागू रहेगी पुरानी व्यवस्था। रोडवेज प्रदेश के 11 लाख दिव्यांग यात्रियों को देगा निशुल्क स्मार्ट कार्ड। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे सफर करने वालों की नकेल कसने की तैयारी। परिवहन निगम ने प्रदेश भर के पंजीकृत दिव्यांगों का मांगा ब्योरा। जनपद के बस अड्डे के काउंटर से जारी किए जाएंगे स्मार्ट कार्ड। 80% से ज्यादा दिव्यांगता होने पर यात्री को विशेष सुविधा। एक सहयोगी को साथ निशुल्क यात्रा की दी जाएगी सुविधा। दिव्यांगता का प्रतिशत भी का स्मार्ट कार्ड पर रहेगा दर्ज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, दिव्यांग यात्रियों को स्मार्ट कार्ड मिलेगा मुफ्त में, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए मयूरी, बिल्कुल सही यह फैसला है और निश्चित रूप से जो कहा गया कि फर्जी प्रमाण पत्र के सारे तमाम लोग यात्रा करते रहते हैं, उसके बीच देखा जाता है कि जो वास्तव में दिव्यांग है वो इस व्यवस्था से वंचित रह जाते हैं और ये सच्चाई है और ऐसी स्थिति हमेशा देखने को मिलती है, चाहे हम रोडवेज की बात करें और चाहे हम रेल व्यवस्था की बात करें, चाहे ट्रेन की बात करें, वहाँ पर भी ये व्यवस्था रहती है। फिलहाल रोडवेज ने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रयास किया है कि जो दिव्यांग है उनको निश्चित स्मार्ट कार्ड जारी कर देगा और स्मार्ट कार्ड के माध्यम से उस पर भी दर्ज रहेगा कि कितने प्रतिशत वहाँ पर वो दिव्यांग है। अगर 80% ज्यादा दिव्यांग रहते हैं, विकलांगता उनके यहाँ होती है दिव्यांगता, तो उनके साथ एक सहयोगी भी होगा जो कि व्यवस्था में शामिल है। ये कहा जाता है कि अगर 80% से ज्यादा विकलांग होता है और अगर दृष्टि दिव्यांग है वो, तो उन दृष्टि दिव्यांग लोगों के लिए ये व्यवस्था भी लागू की जाती है कि उनके साथ एक यात्री जा सकता है, एक अटेंडेंट जा सकता है। तो बेहतर यहाँ प्रयास है और निश्चित रूप से यहाँ पर इस प्रयास के माध्यम से जो वंचित वर्ग है, जिनको जो नहीं जा पाते, दिव्यांग है जिनको यहाँ पर छूट नहीं मिल पाती है, उनको निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर दी जाएगी और उनको कार्ड मिलेगा। उस कार्ड के माध्यम से बता सकेंगे कि हम कितने दिव्यांगता हमारे अंदर है और उस पर दर्ज भी होगा और निश्चित रूप से अगर ज्यादा दिव्यांग तो उसके साथ अटेंडेंट भी जा सकता है। बेहतर पहले यहाँ पर रोडवेज व्यवस्था की है जिससे कि जो फर्जी जो प्रमाण पत्र के सारे जो यात्री करते हैं दिव्यांग, उन पर नकेल कसी जाएगी और निःशुल्क से सरकार का बहुत बेहतर कदम है यहाँ पर। गौरव, ये एक अच्छी पहल है, दिव्यांग यात्रियों को निःशुल्क स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, तो इससे क्या क्या फायदा मिलेगा दिव्यांगों को? दिव्यांगों को सबसे फायदा तो ये मिलेगा कि अगर दिव्यांग 80% ज्यादा दिव्यांग है तो उनके साथ एक अटेंडेंट जा सकेगा, उनको जो सीधा और कोई ना बताना ना प्रमाण पत्र दिखाना है, केवल एक कार्ड बता देगा कि ये कार्ड भी दिव्यांग है और अगर वो 80% ज्यादा है तो उनके साथ अगर जो भी अटेंडेंट रहेगा उसको भी उनको बताना नहीं पड़ेगा, वो स्पष्ट हो जाएगा कोई अटेंडेंट जरूर होगा, तो कुछ चीजें स्मार्ट कार्ड पर दर्ज होंगी उससे उनको बताना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो प्रमाण पत्र का उसका वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा और आपस में नोकझोंक का माहौल भी कई बार हो जाता है, कई बार जो परिचालक होते हैं वो मानते नहीं आपका प्रमाण पत्र, हम नहीं मानेंगे, तो तमाम तरह की जो उस समय दिक्कतें आती वो दिक्कतें नहीं आएंगी। आप सीधा स्मार्ट कार्ड दिखाएंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आप दिव्यांग हैं और निःशुल्क जो व्यवस्था सरकार ने आपके लिए कर सके उससे आप बिल्कुल लाभार्थी आपको मिलेगा और जो जो फर्जी जो प्रमाण सारे जो यात्रा कर रहे हैं उनको नकेल भी कसी जाएगी। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए।
बोला गोकर्णनाथ, विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 3 नवंबर को होगा चुनाव। छह नवंबर को होगी गिनती। अरविंद गिरी के निधन के चलते हुई थी सीट खाली। बीते 6 सितंबर को हुआ था विधायक का निधन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में होगा चुनाव। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़े हैं। गौरव, गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, यहाँ ऐलान होना था क्योंकि अभी हाल में 6 सितंबर को वहाँ के जो विधायक रहे हैं, बीजेपी विधायक रहे अरविंद गिरी, उनका हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया था। उनके निधन के बाद माना जा रहा था कि भाई जल्दी उनका निधन हुआ है, सीट खाली हो चुकी है और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई सीट बहुत लंबे समय तक खाली नहीं रहती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। और मैं आपको बता दूँ मयूरी की 7 राज्यों में 7 सीटों पर व्यवस्था हुई है। बिहार में 2 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर यहाँ पर चुनाव होने वाला है, जिसके चुनाव 3 नवंबर को होगा और 6 नवंबर को उसकी गिनती की जाएगी, परिणाम सामने आएगा। और निश्चित रूप से जो सीट खाली हो जाती है उसको उपचुनाव की जो प्रक्रिया है वो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल है। और मैटपुर सीट है बीजेपी की, वहां पर अभी तक विधायक रहे हैं और अरविंद गिरी जो कि अभी हाल में ही 6 सितंबर को वो कार्यक्रम के लौट रहे थे, उस समय उनका हार्ट अटैक हो गया था, उसके चलते उनका निधन हो गया था। उसके बाद सीट खाली चल रही थी, इस पर अब 3 नवंबर को चुनाव होगा। चुनाव के माध्यम से 6 नवंबर पर यहाँ पर गिनती होगी, परिणाम सामने आ जाएगा कि बीजेपी के खाते में सीट जाती है, विपक्ष के खाते में सीट जाती है। और निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है वो होने वाली है यहाँ पर। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। सरयू तट पर एक साधु ने काटा अपना पंजा, अयोध्या से बड़ी खबर। अज्ञात साधु ने काटा अपने हाथ का पंजा। पूजा और तांत्रिक क्रिया की आशंका। साधु ने अपना एक हाथ काटकर सरयू तट पर चढ़ाया। नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार है, साधु ने कहा। बिहार सरकार से की थी भ्रष्टाचार रोकने की मांग। किसी ने सुनवाई नहीं की तो ऐसा करना पड़ा, साधु ने कहा। सरयू तट पर एक साधु ने काटा अपना पंजा। अज्ञात साधु ने काटा अपने हाथ का पंजा। पूजा और तांत्रिक क्रिया की आशंका जताई जा रही है। साधु ने अपना एक हाथ काट कर सरयू तट पर चढ़ाया। मुलायम सिंह के जीवन रक्षा के लिए अयोध्या में शुरू हुआ धार्मिक अनुष्ठान। संत समाज के वैदिक ब्राह्मणों के साथ कराया महामृत्युंजय का परायण। हवन कर की मुलायम सिंह यादव की दीर्घ आयु की कामना। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य खराब होने के बाद से चल रहा धार्मिक अनुष्ठान। सरकारी स्कूल बना कुश्ती का अखाड़ा, हमीरपुर से बड़ी खबर। प्रधानाध्यापिका की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। प्रधानाध्यापिका ने चपरासी महिला से की मारपीट, मोबाइल लेने के विवाद में हुई मारपीट। स्कूली बच्चों ने की चपरासी महिला को बचाने की कोशिश, बीच बचाव करने आई अध्यापिका से भी हुई हाथापाई। गांधी जयंती के अवसर पर स्कूल में हुआ बवाल। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस कर रही मामले की जांच। करारा ब्लॉक के कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय का मामला। सरकारी स्कूल बना कुश्ती का अखाड़ा, हमीरपुर से बड़ी खबर। प्रधानाध्यापिका की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। प्रधानाध्यापिका ने चपरासी महिला से की मारपीट, मोबाइल लेने के विवाद में हुआ मारपीट।
स्कूली बच्चों ने की चपरासी महिला को बचाने की कोशिश। बीच बचाव करने आई अध्यापिका से भी हुई मारपीट। गांधी जयंती के अवसर पर स्कूल में हुआ बवाल। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस कर रही मामले की जांच। कुरारा ब्लॉक के कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय का है मामला। कानपुर के हैलेट अस्पताल में विदेशी युवती की मौत। एक महीने से अस्पताल में यूक्रेन की युवती का चल रहा था इलाज। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई थी युवती। दुर्घटना के बाद से हैलेट अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी युवती। उन्नाव जिले के सोहरामऊ में हुई थी सड़क हादसा। कानपुर के हैलेट अस्पताल में विदेशी युवती की मौत। एक महीने से अस्पताल में यूक्रेन की युवती का चल रहा था इलाज। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई थी युवती। दुर्घटना के बाद से हेल्थ अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी युवती। उन्नाव जिले के सोहरामऊ में हुई थी सड़क दुर्घटना। तिकुनिया कांड को पूरा हुआ एक साल। लखीमपुर से बड़ी खबर। चार किसानों और एक पत्रकार की मनाई जा रही बरसी। बरसी कार्यक्रम में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। किसानों से किए वादे पूरे नहीं हुए हैं, राकेश टिकैत ने कहा। आज भी कर रहे मंत्री टेनी की बर्खास्तगी की मांग, टिकैत ने कहा है।